देशभर में सियासी पारा गर्म है क्योंकि पूरे देश में चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं 10 मार्च से चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता लागू कर दी है, लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आचार संहिता को लेकर ना तो प्रशासन गंभीर दिख रहा है और ना ही नेता। यहां जमकर चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गुरुग्राम की सड़कों पर चाहे सरकारी जमीन हो या फिर प्राइवेट, सभी स्थानों पर राजनेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियां भी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए पोस्टर लगा रही हैं। जिला प्रशासन ने इस पर रोक लगाने के लिए जोन वाइज जोन अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन फिर भी आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बैनर लगे हुए हैं, दूसरी तरफ अन्य पार्टियों ने भी अपना पोस्टर लगा रखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन अब इस पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। देखिए, पोस्टर्स या कोई भी पब्लिसिटी मटेरियल, एनी होर्डिंग जो भी अनऑथराइज्ड है और परमिटेड प्लेसेस पे नहीं है, वो सारी एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मोस्ट ऑफ देम हैव बीन रिमूव्ड। अगर अभी भी कोई ऐसी साइट है जहां पे उनको नहीं हटाया गया तो इमीडिएटली कंसर्न्ड ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया जाएगा कि इन्हें हटा के एमसीसी का कोई भी वायलेशन ना बर्दाश्त करें। क्या इस पर कोई कार्रवाई भी की जाएगी? डेफिनेटली, अगर आपका रिपीटेड रहता है तो इसमें इन कॉन्फिडेंस विद पॉलिटिकल पार्टी, सबको बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये इसमें हमारे रूल्स होते हैं, आप यहां लगा सकते हो इस प्रकार से परमिशन लेके, बट फिर भी ऐसे अगर कोई वॉल्यूशन रहता है तो डेफिनेटली उनको बुक किया जाए। प्रशासन चुनाव में क्या तैयारियां कर रहा है और क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं अब तक? देखिए, इलेक्शंस की प्रोसेस और प्रिपरेशन राइट आफ्टर अनाउंसमेंट शुरू हो जाता है, उसमें आपके काउंटिंग सेंटर्स, स्ट्रांग रूम्स, डिस्पैच एरियाज, रिसिप्ट एरियाज, टीम ऑफ ऑफिसर्स, आपके मल्टीपल स्क्वाड्स, सी विजिल, एक नई ऐप जो चुनाव आयोग ने लॉन्च की है उसकी इन्फोर्समेंट में, तो जितनी भी नेसेसरी टीम्स होती हैं वो सारी क्रिएट हो गई हैं। दे आर ऑल एक्टिव इन द फील्ड एंड मुझे कॉन्फिडेंस है कि एक अच्छा चुनाव हम संपन्न कराएंगे। क्या नेताओं के साथ भी बातचीत जारी है? बिल्कुल, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एड्रेस करना एक मैंडेटरी स्टेप होता है और उनके साथ जितने भी हमारे एआरओज हैं निरंतर टच में हैं ताकि उनको भी दिशा निर्देश, जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है चुनाव आयोग के, उनको रिसीव रहे और कोई भी उल्लंघना ना हो।